कर दिया गया है, नहीं किया गया, जिन्हें अभी के लिए कंफर्म नहीं हुआ है जी बिल्कुल, उनको रिवाइव मिल जाएगा। तो इट्स गोना बी 2v4 की फाइट, नॉट सो इजी फॉर द टीम गॉट लाइक, बट वो कर सकते हैं, देखते हैं किस तरीके से। जोनाथन अभी भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी जल्दबाजी है जो कि जोनाथन की तरफ से नहीं की जा रही, और अभी एक भी खिलाड़ी को अगर जोनाथन ने स्पॉट किया, हम श्योर यहाँ पे वो नॉक निकालेंगे उस चीज़ का, क्योंकि उनको भी पता है। देखिए जोनाथन को भी मालूम है, कल भी हमने यही चीज़ देखी थी, जोनाथन पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे थोड़ा सा काम नहीं खेल रहे हैं, बाकी पहले यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे एक दो प्लेयर्स नॉक होने के बाद, एक खिलाड़ी नॉक होने के बाद टीम गॉड लाइक आगे की तरफ बढ़ के जाती थी, अब कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजीज को उन्होंने चेंज किया, वो भी यहाँ पे फाइट में आराम से समय लेते हैं, प्लेयर्स को स्पॉट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे गॉड लाइक यू नो पे फाइट में इनिशिएट करती है। अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉजल्टी जो कि यहाँ पे मिली है यू नो जी गॉड के रूप में। अब देखते हैं जोनाथन और एस्पावर, ये डुओ कॉम्बिनेशन क्या टीम स्वैट को इस गेम से बाहर लेके जा सकता है। और इसी के साथ यहाँ पे वोल्टेक्स के मयूर FTW की मैं बात करूंगा, एक हाथ में उनके पास ग्रेनेड रहेगा, पीछे से भी एक खिलाड़ी आने वाले, दो खिलाड़ी आ चुके हैं। एस्पावर के अगर हाथ में DBS रहेगी तो तीन खिलाड़ी में भी चार भी आ जाए तो एस्पावर हैंडल कर सकते हैं उनको, बट क्या एक नॉक यहाँ पे निकालेंगे। चलिए स्वैट के वो दो ओपन से आने वाले हैं, जोनाथन थोड़ा सा उनको डैमेज दिया गया था, इंतजार वो भी करें, इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म होने वाली, बिकॉज स्वेट के जो खिलाड़ी है वो काफी बढ़िया तरीके से, चलिए स्प्रे गॉड के द्वारा VSG की वो अलग फाइट, चलिए गॉड लाइक एस्पावर का वो गिनने जाने वाला है, चलिए जाके फाइनली हिट करेगा, और एस्पावर के द्वारा पुश है जो कि देखने के लिए मिलने वाला। चलिए यहां पे पैन चलाना चाहिए, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, उसके बावजूद यहां पे नॉक निकाल दिया, इट वाज लाइक सरप्राइज टेक डाउन। चलिए पैन चलाएंगे, थोड़ा सा ट्रोल करेंगे, और इसी के साथ उनको गेम से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। एस्पावर जोनाथन की बात की जाए, चलिए जोनाथन भी फाइनली फाइट में इनिशिएट करेंगे, और इसी के साथ एक प्यारा सा टेक डाउन यहां पे उनको भी देखने के लिए मिलने वाला। फाइट में बहुत पीछे थी टीम गॉड लाइक, बट उसके बावजूद यहां पे स्वैट को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया गया है, क्योंकि आखिरी खिलाड़ी मयूर FTW मुझे लगता नहीं कि वो कुछ खासा कर पाएंगे, बट यहां पे बैठ के जिस तरीके से वहां पे स्टे कर रहे हैं, अपना टाइम वो ले रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सरप्राइज अटैक टीम गॉड लाइक के एक खिलाड़ी को एज अ कॉजिटिव दे सकता है। चलिए यहां पे स्पॉट किया जाएगा, जोनाथन उनके तरफ से रिफ्लेक्स पड़ने वाले हैं, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं उनको भी रियलाइज हुआ होगा मयूर को कि इतना आसान है नहीं टीम गॉड लाइक को गेम से बाहर लेके जाना। ऑलमोस्ट फाइट में अभी भी यहाँ पे टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स वेल काफी बढ़िया तरीके से बने हुए हैं। एस्पावर यहाँ पे जंप करके आएंगे, हाथ में UMP45 रहने वाली है, बट जिस तरीके से वो यू नो पे इमीडिएट टेक डाउन देखने के लिए मतलब इट वाज लिटरली ऑसम, मैं जितनी तारीफ करूंगा अभी के लिए कम रहने वाली है एस्पावर की उस पर्टिकुलर टेक डाउन के लिए। चलिए उतरेंगे, चलिए एस्पावर के द्वारा 1v3 है जो कि हो जाएगा टीम स्वैट के ऊपर, और इसी के साथ आप उनका स्वैट निकाला जाएगा और उनको गेम से बाहर का जो रास्ता है वेल टीम